एक ओर जहां अब तीन तलाक बिल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया है, तो वहीं प्रदेश में तीन तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही कुछ मथुरा के कृष्णा विहार कॉलोनी में देखने को मिला है, जहां जुमरत नाम की महिला को उसके पति इकराम ने थाने के गेट पर ही तीन तलाक दे दिया। बताया जा रहा है कि 2.5 साल पहले पीड़िता के पिता ने अपनी दो बेटियों जुमरत और शन्नो का निकाह नेवात के रहने वाले इकराम और उसके छोटे भाई के साथ किया था। जुमरत को तो शादी के बाद ही विदा कर दिया गया, जबकि शन्नो छोटी होने के कारण मायके में रह रही थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही इकराम और उसके घर वाले दहेज में 1 लाख रुपए की मांग करने लगे थे और रुपए न मिलने पर जुमरत को प्रताड़ित कर रहे थे। दोनों पक्षों के लोगों को सुलह के लिए थाने बुलाया गया। इसके बाद पति ने अपनी पत्नी को थाने के गेट पर ही तलाक बोलकर चला गया। सास ससुर आए, ससुर और आदमी आए थे, तो क्या भी विवाद चल रहा था तुम्हारा पति से, तुम्हारे ससुरालियों से? कब से चल रहा था? 1.5 साल हो गए। अच्छा, तो तब से तुम कहाँ रह रही थी? कभी 2 महीना रखे हैं, कभी बाहर हैं, और छोटी को नहीं रखूंगा, और छोटी से फंसी पड़ी है। तो तारीख करने आई थी आज? आज तारीख करने आई थी। फिर तो उन्होंने कह रहा, माँ की गाली दे रहा। कौन? वो आदमी। सर कह रहा मैं नहीं ले आऊँगा इसको, बाप बेटा दे रहे। पति क्या बोला? पति ने कह रहा मैं तलाक दूंगा इसको। तीन तलाक बोला उसने? तीन तलाक बोला था। एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये महिला थाने के अंदर एक फाइल मीडिएशन में चल रही थी, जिसके अंदर पीड़िता जुमिरत जो कि कोसी कला की रहने वाली है, और जो इनका पति इकराम जो कि नूह मेवात का रहने वाला है, इनके बीच में पहले से ही विवाद चल रहा था। और ये मामला कल सामने आया था कि मीडिएशन के दौरान जब ये थाने के अंदर थे, उसके बाद ये बाहर गए, बाहर इनके बीच में बहस हुई और तीन तलाक का मैटर इन्हीं के बीच में हुआ। उसके बाद इनके माँ जो कि फाता, जो इनकी माँ है पीड़िता की, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई, उसी के आधार पर जो नया एक्ट बना है उसी के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने पति के खिलाफ तीन तलाक कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। मथुरा से न्यूज़ के लिए OP वरुण की रिपोर्ट।